सरकार रही है तब नहीं आए आप रैलियों में? कभी नहीं गई हूँ मैं, अभी नहीं गई, कभी नहीं हूँ। ये पहली बार ऐसी कोई पार्टी है जिसमें मैं किसी रैली में आई हूँ। आज महिलाएं सुरक्षित हैं, पहले के टाइम में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। आज आप देख सकते हैं शाम का, आप भी महिलाओं, शाम का समय है, हम सब महिलाएं यहाँ पे हैं, पुरुष भी हैं, सब लोग हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। और ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी का हुआ है, छेड़ के दिखा दे, हाथ तो लगा के दिखा दे, ये योगी आदित्यनाथ। हमें देखे, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? क्योंकि यहाँ बीजेपी सरकार है और हम बीजेपी सरकार को लाके रहेंगे, क्योंकि उनके उनकी सरकार में हम लोगों को सुरक्षा मिली है। पहले जो सरकारें थी ना, उनमें हमें कभी इतनी सुरक्षा नहीं मिली है। हम पहले के टाइम में ऐसे कभी नहीं खड़े हुए, कभी ऐसे जो भी है भी रैलियां है कि कभी नहीं गए हम। हमारे साथ मुस्लिम भाई हैं हमारे, जो मेरे साथ बिल्कुल बराबर में अपना घर परिवार उन्होंने छोड़ रखा है, इतने उनके साथ। भैया इधर आओ, इधर आओ, ये मेरे को पूरा माणक मोह, मेरा क्षेत्र माणक मोह, पूरा माणक मोह में ये मुझे घुमा रहे हैं। और इधर आओ, मौजूद हूँ और सहारनपुर की जनता आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद है। लड़कियां भी हैं, औरतें भी हैं और युवा भी हैं और कुछ और भी साथी हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त यहाँ पर। जो खुशी है इन लोगों में, अमित शाह कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाले हैं, इन लोगों से बात कर लेते हैं कि अमित शाह के आने की खुशी कितनी ज्यादा है इन लोगों को। क्या नाम है जी आपका? अंजू त्यागी। अंजू त्यागी जी को क्या लगता है अभी अमित शाह थोड़ी देर में आने वाले हैं, कितनी खुशी है? बहुत उत्साह है, ऐसा लग जैसे एक पर्व मनाया जा रहा है। पर्व मनाया जा रहा है, यस। जैसे ना यहाँ पे, जैसे अपने घर में कोई शादी होती, ब्याह होता है, बहुत बड़ा कोई त्यौहार होता है, उससे भी बढ़कर त्यौहार लग रहा है। देखिए आप चारों तरफ देखिए किस तरह से जनता आई हुई है। अभी मैं आई जब तो आप गाना गा रही थी, जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे, उनको लाएंगे। जो राम को लाए है हम उनको लाएंगे, सातों की सातों से भी आएंगी। ये देखो ना, ये कोई भीड़ किराए पे थोड़ी लेके आ रखे, सारे ये योगी जी का प्यार है, ये पूरा सहारनपुर का प्यार है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब उत्तर प्रदेश में कहीं भी जाएंगे बीजेपी को इतना ही समर्थन मिलेगा, सबका प्यार मिलेगा, सबका प्यार मिलेगा, सबका प्यार बिल्कुल मिलेगा, सबका प्यार भारतीय जनता मिलेगा, मिलेगा। आज तो लड़कियां भी हैं और आप सब भी हैं, आप मुझे ये बताइए, बोला जाता है कि पहले जो लड़कियों के लिए है और औरतों के लिए है माहौल सेफ नहीं था, अब बताइए पहले के माहौल के बारे में बताइए थोड़ा सा, और अब जो माहौल है उसके बारे में भी बताइए। पहले माहौल सात बजे भी लड़कियां बाहर नहीं निकल पाती, और आज देखिए आज सात का शाम का समय है और लड़कियां भी हैं, महिलाएं भी हैं, बेटियां भी हैं। ये सिर्फ माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आज महिलाएं सुरक्षित हैं, पहले के टाइम में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। आज आप देख सकते हैं शाम का, आप भी महिलाओं, शाम का समय है, हम सब महिलाएं यहाँ पे हैं, पुरुष भी हैं, सब लोग हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। और ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी का हुआ है, छेड़ के दिखा दे, हाथ तो लगा के दिखा दे, ये योगी आदित्यनाथ। हमें देखे, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? क्योंकि यहाँ बीजेपी सरकार है और हम बीजेपी सरकार को लाके रहेंगे, क्योंकि उनके उनकी सरकार में हम लोगों को सुरक्षा मिली है। पहले जो सरकार
इतनी सुरक्षा नहीं मिली है। हम पहले के टाइम में ऐसे कभी नहीं खड़े हुए, कभी ऐसे जो भी है भी रैलियां है कि कभी नहीं गए हम, पहले नहीं जा पाते थे। आज ऐसा टाइम है कि आज लड़कियां अपने उसपे अपने कदमों पे खड़ी हुई है कि भाई लड़कियां ऐसी रैलियों में भी जा सकती है, पहले कभी नहीं जा सकती थी लड़कियां, आज बिना डरे यहाँ खड़ी हो सकती है। अखिलेश सरकार रही है तब नहीं आए आप रैलियों, कभी नहीं गई हूँ मैं, कभी नहीं हूँ। ये पहली बार ऐसी कोई पार्टी है जिसमें मैं किसी रैली में आई हूँ। योगी मोदी जी की पहली बार आप रैली में? हाँ जी, योगी जी के भरोसे पे, योगी जी के भरोसे पे आए, उनके भरोसे पे इसलिए आए हैं क्योंकि हमें विश्वास है उन पर के उनकी रैली में कभी हमारे साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। इतना विश्वास इतना विश्वास है हमें। योगी जी ही क्यों बताइए मुझे। देखिए ये एक्सपीरियंस की बात है, हम जब घर से बाहर निकलते हैं हमने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा बीजेपी सरकार में कि लड़कियों के साथ कहीं छेड़खानी हो रही है, ये कहीं लड़कियों का आने जाने से लड़के कहीं रोक रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, लड़के अपने सुबह शाम आराम से कहीं भी आ जा सकती हैं, घूम सकती है खुलेआम, खुलेआम घूम सकती है। महिला एक परिवार है, भारतीय जनता पार्टी अब पूरे राष्ट्र में देखिएगा एक परिवार है, जो परिवार सबको साथ लेके चलता है। हमारे माननीय योगी जी, मोदी जी सबको एक साथ लेके चलते हैं, विकास के दर पे चलते हैं, और इसलिए महिलाएं सुरक्षित हैं, पुरुष सुरक्षित हैं, सब सुरक्षित। फुल तैयारी के साथ आए हैं, टोपी भी लगाई हुई है, झंडे भी लिए हुए हैं और परना भी लगाया हुआ है। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे जो जगपाल जी, हमारे विधायक, हमारे विधायक जी के लिए अमित शाह जी आ रहे हैं हमारे साथ डोर टू डोर करने के लिए। हमें तो इतनी खुशी हो रही है कि हम क्या बताएं। मैं दुर्गा सागर मॉडल का मंडल हमारी सरकार ने कहा है सबसे पहले सबका साथ और सबका विकास, हम इसीलिए सबको साथ लेके चल रहे हैं, कोई एक वर्ग नहीं है, सभी वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और महिलाएं सबसे पहले सुरक्षित हैं। आज शाम के समय भी हम सब महिलाएं घर से बाहर निकल के इस रैली में हैं, हमारे घर वालों को भी भरोसा है कि हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं, इसीलिए आज हम यहाँ पर हैं। हमारे साथ मुस्लिम भाई हैं हमारे, जो मेरे साथ बिल्कुल बराबर में अपना घर परिवार उन्होंने छोड़ रखा है, इतने उनके साथ। भैया इधर आओ, ये मेरे को पूरा मानक मो, मेरा क्षेत्र मानक मो, पूरा मानक मो में ये मुझे घुमा रहे हैं, और इधर आओ, भाई देखो मैं तो एक बात कहना चाहूँ सब, कहिए। भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो चाहे कोई हिंदू गलत करेगा उसके भी जवाब दिया जाएगा, मुसलमान गलत करेगा उसे भी इंसाफ दिया जाएगा, तो भाई जो गलत करेगा उसे उसकी चोट दी जाएगी। सही काम करो, कोई दिक्कत नहीं आए, ना किसी मुसलमान को दिक्कत ना हिंदू को दिक्कत, मैं अपने भाई के साथ ही घूम रही हूं, तो भाई कोई दिक्कत नहीं आए, लोग भाग जाना। मैं बीजेपी का साथ दूंगा तो दूंगा, चाहे तुम मेरा कुछ कर लो, मैं बीजेपी का साथ दूंगा। आपके साथ खड़े हैं तो इनको सुना रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद सुना रहे हैं लोग जी, आपके साथ खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, आपको सुना रहे हैं कि इनको लोग? हाँ जी सुना रहे हैं, लेकिन ये सुन रहे हैं डोर टू डोर, ये कह रहे हैं कि मैं भारतीय, इनकी पत्नी से मैं मिली हूँ, इनकी पत्नी कहने लगी है जब से बीजेपी में आए इन्होंने घर पर ही छोड़ दिया, इनका तो बीजेपी ही सब कुछ हो गया, और इनका घर देखेंगे ना कुछ भी ना दिख रहा है जी आपको बीजेपी, हमें दिख रहा, सुन लो मेरी बात, जो लोग भाग जाए ना, भारतीय जनता पार्टी तो पैसे दे रही है लोगों को, और विपक्ष वाले ले रहे पैसे 20,000 रुपए ले रहे, उन्हें डरा भी रहे, अगर तब ने मोदी को वोट दे दिया नहीं तो यहाँ रहेंगे हिंदू आन का, और भाई किसी को कुछ डरा रहे, किसी को डरा रहे, वोट दियो हत्ते को, हम नु करे भाई जिनने 2,50,000 रुपए दिए उसे वोट दियो, भाई सीधी बात है, अगर कोई हिंदू भी गलत करेगा सरकार उसे भी छोड़ देगी, और मुसलमान की अगर जो आपने कमल का बटन दबाया तो आपकी फोटो आ जाएगी, मैंने समझाया कोई फोटो नहीं आती है, लोगों को डरा रहे, हम भी देंगे और